हटिया लगा के काट रहे हैं, काटने में नहीं सक रहे हैं और पानी में काट काट के छान छान कर रोड पर सुखा रहे हैं। क्या सुधरता है? सुधरता है नहीं, साल में तो और बुरी तरीके से ना मक्का होगा ना आलू होगा। धान तो मेरा हम लोग का पूंजी लगाया हुआ डूब गया। अब हम कर्ज को कुछ सधाएँ कुछ बाकी है, अभी पूंजी लगा से पूंजी तो डूबिए गया, अब हम कहाँ से देंगे। ये पानी लगा हुआ है, धान मेरा पक गया हुआ है, काट नहीं पा रहे हैं सही से। और जो भी है गिरा हुआ धान है, पानी में गिर गया, धान जम गया पानी में। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में हुई कई दिनों से भारी बारिश के बाद खेत में जल जमाव हो गया है, जो किसान के लिए परेशानी का सबब बन गया है। किसानों के लिए तैयार धान की फसल को सुरक्षित घर ले जाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ और बारिश का दंश झेल रहे मुजफ्फरपुर के किसान मुसीबत कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। 3 महीने के अंदर 2 बार बाढ़ का कहर से जूझ रहे किसानों की रही सही उम्मीदें पर चक्रवाती तूफान गुलाब ने पानी फेर दिया। तूफान के वजह से कई इलाकों में जलजमाव का संकट और गहरा गया है, जिससे खेतों में बची खुची धान की फसल को समेटना भी अब किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। खेतों में अत्यधिक पानी के वजह से तैयार धान की कटाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। जल जमाव के कारण पानी में घुसकर धान की कटनी करने के लिए अब किसानों को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है। किसानों की कटाई के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं, वही खेतों में पानी लगने के वजह से मशीन से भी कटाई संभव नहीं है। ऐसे में धान की लगी पूंजी और लागत को निकालना भी अब किसानों की भारी पड़ रहा है। बता दें कि जल जमाव की वजह से तैयार धान की फसल खेत में झड़ने लगी है, जिससे फसल की हालत देखकर चिंतित है। वही किसान इस बात से परेशान है कि अगर जल्द खेतों से जल जमाव की समस्या दूर नहीं हुई तो इस साल भी आलू तिलहन और गेहूं की बुआई भी अधर में ही लटक जाएगी। ऐसे में घर परिवार का गुजारा कैसे होगा, चिंता किसानों को और सता रही है। अभी क्या कुछ परेशानी दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है जब पाकल धान पानी में गिर गया है, खटिया लगा के काट रहे हैं, काटने में नहीं सक रहे हैं और पानी में काट काट के छान छान कर रोड पर सुखा रहे हैं। धान जम चुका है, अभी धान पूंजी लगावल मेरा डूब गया। हर साल की स्थिति रहती है हर साल के तो ये कभी कोई साल में तो क्या सुधरता है, सुधरता नहीं है, साल में तो और बुरी तरीके से ना मक्का होगा ना आलू होगा। धान तो मेरा हम लोग का पूंजी लगाया हुआ डूब गया, अब हम लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे। अब हम लोग कर्ज उर्ज भी लेकर ही है? हाँ, कर्ज ले के खेती करे हुए थे, कमा उमा के किसी किसी तरह से कर्ज को कुछ सधाएँ कुछ बाकी है, अभी पूंजी लगा से पूंजी तो डूबिए गया, अब हम कहाँ से देंगे, अब हम खाएंगे क्या चीज़। खटिया पर काट रहे हैं? देखते खटिया पर काट रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई सुविधा कुछ नहीं, नहीं मिलता? वह राशन तो मिलता है, वह मतलब ना इस समय हम लोग का कुछ नहीं देता है, नहीं देते हैं हम लोग का जो की करते हैं। अब तो देख रहे हैं गेहूँ का क्या स्थिति रहेगा? गेहूँ की स्थिति जब पानी सूखेगा तब ना गोमल का फसल होगा, कम उम्मीद तब यो उम्मीद कम है। इतना भर भर खिली पानी है, इतना कि कहिया ले पानी सूखेगा, कहूँ फिर भगवान बरस ही जाएंगे तो वह नाम बताइए। बच्चू राय। कौन सा? कुर्मी पटेल चौखड़ी का। धान का स्थिति सर बहुत ख़राब है, धान का स्थिति पानी बारिश होने के कारण धान का स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है। अभी पानी लगा हुआ है, धान मेरा पक गया हुआ है, काट नहीं पा रहे हैं सही से। और जो भी है गिरा हुआ धान है, पानी में गिर गया, धान जम गया पानी में। अब क्या करें, थोड़ा बहुत है तो काट करके अपना जैसे तैसे निकाल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। फिर गेहूँ का सीजन, मकई का सीजन, ये सब आने वाला है। अब पानी सूखेगा तो होगा, नहीं सूखेगा तो नहीं होगा इस बार फसल। कितना बीघा में इधर क्या पानी नहीं लगा?
पानी तो सारे में लगा हुआ है, बहुत जगह में पानी लगा हुआ है, कम से सब धान बर्बाद हो चुका है। पानी तो सारे तरफ पानी ही पानी है अभी। कर्ज भी लेकर किए? हाँ, तो कर्ज लेकर नहीं किए थे, कर्ज तो लेकर कर्कबे किए थे। अब कर्ज कैसे सधेगा, महाजन को कैसे पैसा देंगे पता नहीं। कितना कट्ठा में आप किए थे? हम लोग तो कम से कम 1.5 बीघा में किए हुए हैं हम। ठीक है, नाम बता दीजिए। प्रेम राय। कौन सा जगह है? खरिका पटेल चौक। ठीक है।